तुमने सब सामान ले लिया? जी, सब ले लिया। तुम लोगों को मेरा कहना नहीं मानना था, नहीं माने, ठीक है? इस लड़की को घर छोड़कर दुकान चलानी थी। चलाए हैं, हाँ हाँ दुकान चलाए, लेकिन दुकान दुकान की तरह तो चलाए, रामलीला का मंच बना के रखा है। रोज कोई ना कोई नाटक रचा जा रहा है, लोग फोन करके मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं अग्रवाल साहब इतनी तंगी है, इतने बुरे दिन आ गए, तो समोसे का लालच देकर लोगों को दुकान पर बुलाया जा रहा है, क्या क्या है ये? घर पर भी मुझे चैन से जीने नहीं दोगे क्या? हैं? बाबा भी कैसी बातें कर रहे, जो भी कर रहे हमारी, मेरा नहीं तो कम से कम अपने पुरखों पुरखों की मर्यादा के बारे में तो सोचते हैं। ऐसे सस्ते हथकंडे अपनाना हमारी परंपरा नहीं है। 150 साल पुरानी दुकान है हमारी, नाम सुनते ही दौड़े दौड़े चले आते हैं लोग। समोसे क्या, लकी ड्रॉ क्या, रिटर्न पॉलिसी क्या? पापा जी, इसमें वरुण की कोई गलती नहीं है कि स्कीम वाला आइडिया तो मेरा था। यकीन था कि ऐसे नाक कटवाने वाले पैतरे तुम ही इजाद कर सकती हो। और सुनो, मैं इससे बात कर रहा हूं, इसे समझा रहा हूं, क्योंकि ये मेरा इसकी रगों में मेरे वंश का खून दौड़ रहा है, इसलिए समझा रहा हूं। समझे तो ठीक है, ना समझे तो इसकी मर्जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, ये लीजिए, इसमें आपके लिए है नाश्ता और ये है आपका लकी ड्रॉ कूपन। इसे आप स्क्रैच करेंगे तो आपको पता चलेगा आप गोल्ड कॉइन जीते हैं या नहीं। ड्रॉ जीतने पे आप लोग गोल्ड कॉइन दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। आप गोल्ड कॉइन नहीं जीते। मैं जीत गया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये रहा आपका गोल्ड कॉइन, मुबारक हो। और अब आप बताइए, आप हमारी दुकान से क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे? नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो पक्का ऑर्डर करूंगा। रहा आपका गोल्ड कॉइन, अब आप बताइए आप यहाँ से क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? ऑर्डर? मैं तो यहाँ सिर्फ लकी ड्रॉ के लिए आई थी। और मैं समोसे के लिए। बट लक देखो, गोल्ड कॉइन मिल गया। ये रहा आपका गोल्ड कॉइन, अब तो कुछ ऑर्डर कर दीजिए आप हमारी दुकान से। चले थे सिद्धांत सिन्हा से दुकान लेने, पर अगर ऐसे ही सोने के सिक्के लुटाते रहे तो सड़क पर सोने की नौबत आ जाएगी इनकी।
भाई साहब कुछ तो ऑर्डर कर दीजिए यहाँ से। हमारी 7 days रिटर्न पॉलिसी भी है, आपको पसंद नहीं आएगा तो आप वापस कर दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर ऑर्डर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। भाई साहब आप तो गोल्ड कॉइन भी जीत गए, कुछ तो ऑर्डर कर लीजिए प्लीज। अगली बार आएंगे तो जरूर कुछ खरीदेंगे। और हाँ समोसे बहुत टेस्टी थे। लोग तो ऑर्डर ही नहीं कर रहे, हमारा ये आइडिया फेल होता नजर आ रहा है। क्या करेंगे हम महाराज जी? केंद्र वो कहाँ गई? कौन? वही, मतलब वो गई कहाँ? कौन कहाँ चली गई? तुम्हारी स्माइल, तुमने प्रॉमिस किया था ना? हेलो, आपकी 7 days रिटर्न पॉलिसी के बारे में पता चला। एक्चुअली मुझे अपने लिए एक सोने का कड़ा बनवाना है। और मुझे अपनी बेटी के लिए ईयरिंग्स। Definitely. एक मिनट। हाँ पूरे 10 ऑर्डर मिले। सब महाराज जी की कृपा है। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू। मुझे क्यों थैंक यू? भरोसा। वरुण अगर आपने मुझ पे भरोसा नहीं दिखाया होता तो हम ये सब कभी नहीं कर पाते। Never celebrate too early, Miss Genda Agarwal. क्योंकि जहां सिद्धांत सिन्हा है वहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा प्लान मैंने तुम्हारे खिलाफ कर दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। बहुत भरोसा है ना तुम एक दूसरे पर। अब बहुत जल्द ये भरोसा मैं तोड़ने वाला हूं। Just wait and watch. जिन कस्टमर्स के ऑर्डर्स पे तुम इतना खुश हो रही हो मिस गेंदा अग्रवाल, ये सभी कस्टमर्स मेरे भेजे हुए हैं। बाहर से तो घेर लिया है दोनों को, अब बस घर के अंदर से घेरना बाकी है। हेलो, तुम्हारा बेटा जिन बलून्स के साथ खेल रहा है उसमें तुम्हारे लिए भी कुछ है। मेरा बेटा? मम्मी ये देखो मेरे बलून, मम्मी देखो मेरे बलून। एक एनवेलप, उसे खोलो और देखो उसमें क्या है। नहीं मेरे बलून से।
शिवम बेटा एक सेकेंड, आप क्या ढूंढ रहे हो? जाओ तुम जाकर खेलो। ये क्या है? गिफ्ट है गेंदा के लिए, जो तुम्हें उसे मेरी तरफ से देना है। अच्छा तो ये है सिद्धांत सिन्हा का अब तक का सबसे धमाकेदार बॉम्ब। इसके धमाके से सबके सिर्फ कान ही नहीं फटेंगे, आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। तुमसे बदला लेने के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी गेंदा, बहुत नीचा दिखाया है तुमने मुझे। बोलो ना मम्मी, आप हंस के रहे हो? क्योंकि आज तुम्हारी मम्मा बहुत खुश है। वैसे मम्मी आप खुश क्यों हो? पापा ने आपको कोई गिफ्ट दिया है क्या? तेरे पापा मुझे जरूर गिफ्ट देने लगे, लेकिन मैं जरूर किसी को गिफ्ट देने वाली हूँ। किसे? और ये क्या है मम्मी? प्रोजेक्टर। जैसे सिनेमा हॉल्स में होता है ना, बिल्कुल वैसे। मतलब अब हम मूवी देखने वाले हैं? कौन सी मूवी देखेंगे हम? अरे बेटा, हम बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट मूवी देखने वाले हैं, और उसमें ना बहुत बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी हैं। हाँ तो एक काम करते हैं, सबको बुला कर लेके आओ तुम। जब सबके साथ बैठ के देखेंगे तभी तो मजा आएगा ना। जा। पापा, दादू, दादी, आज सबको ऐसी फिल्म दिखाऊंगी जो ना कभी किसी ने देखी होगी और ना कभी कोई देखना चाहेगा, और इस फिल्म के साथ ही गेंदा रानी की स्टोरी का भी हमेशा के लिए दी एंड हो जाएगा। पापा जी, ये मिठाई लीजिए। चाची, मैं लूं? हाँ लो। शिवम जाओ बेटा, अंदर जाके खेलो। हाँ लेकिन मूवी? मूवी जब मम्मा चलाएगी ना आपको बुला लेगी। ओके अभी अंदर जाओ। पापा जी, हमारा वो 7 days रिटर्न पॉलिसी वाला आइडिया बहुत चला। आज दुकान पे बहुत सारे लोग आए और हमें ऑर्डर्स भी मिले। अब हमारी दुकान बिल्कुल पहले की तरह चलने लगेगी, आप देखना। इसीलिए हम सबके लिए मिठाई लेकर आए। आप लीजिए ना मिठाई। तुमने तो जैसे नाटक करने में डिग्री हासिल की हुई है। हाँ सबको पीछे छोड़ देती हूँ। एक तरफ तुम इस परिवार की इज्जत और भलाई के लिए अपनी जान देने की बातें करती हो, और वहीं दूसरी तरफ जो इंसान इस परिवार के लोगों को जीते जी मार डालना चाहता है उसका साथ देती हो। उससे चोरी छुपे मिलती, उसके घर जाती हूँ। क्या कह रही हैं भाभी, साफ साफ बताइए। कितना साफ साफ तो शायद मैं ना कह पाऊँ, इसीलिए तुम ही बता दो कि क्या।
क्या बता दूं? कि सिद्धांत सिन्हा के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। बकवास कर रही हैं भाभी, दिमाग खराब हो गया आपका? कैसा घटिया बेहुदा इल्जाम लगा रही आप गेंदा पे? वरुण भैया, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही और ना ही मैं हवाओं में बातें कर रही। सबूत है मेरे पास। देखना चाहेंगे आप सब लोग? को बिना बताए गायब हो जाती थी ना गेंदा, है ना वरुण भैया? कभी इस दोस्त के साथ जाना, दोस्त का फोन था, उसकी ना शादी हो रही है, तो वो कह रही थी कि मैं उसके साथ शॉपिंग पे चली जाऊं। कभी फ्रेंड की शादी का बहाना करना, मेरी वो दोस्त नहीं है जिसकी शादी होने वाली है, मैंने बताया तो था, उसके लिए आज महंगा पसंद करने जाना है। कभी ये काम, कभी वो काम, लेकिन अब देख लिया आपने कि किस काम के लिए जाती है। आपसे हम सबसे झूठ बोलकर ये कहीं और नहीं, सिर्फ सिद्धांत सिन्हा से मिलने जाती थी। बस करो, बंद करो, ये बंद करो। इस लड़की ने तो ठान लिया है कि इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला कर रख देगी। तुम क्या कर रही हो निशा? अपने परिवार के मान सम्मान की चिता जला रही है तुम? क्या क्या कर रही हो तुम? ये बंद करो, बंद करो। ये कृष के पापा, आप ठीक तो हैं? तुम ठीक हो? नहीं, नहीं, ये सब देखने के बाद तुम ठीक हो अनुराधा? पता नहीं किस्मत में और क्या क्या देखना है। पापा, पापा जी, गेंदा, बस बहुत हो गया। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, आपका दिल दुखाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन इस घर की बहू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, ये सब आपको जानना जरूरी है ना, इसीलिए मुझे ये सब आपको दिखाना पड़ा। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था पापा जी। वो फोटोज आपके पास कैसे आए? इस पेन ड्राइव से। और वो पेन ड्राइव आपको किसने दी? बताइए। इसका सिर्फ दो ही मतलब, या तो आप सिद्धांत सिन्हा के साथ मिली हुई हैं, या आपने गेंदा का पीछा किया था, वरना आपको ये बात कैसे पता चल सकती है? और अगर इतने टाइम से आपको ये बात पता थी तो आपने बताया क्यों नहीं हमें? वरुण भैया, मुझे कैसे पता होगा सच? वो तो आज शिवम बलून लेकर आया था सुबह, उसके साथ एक एनवेलप था, उसमें ये पेन ड्राइव थी। और हाँ, ये जो आप सिद्धांत सिन्हा के साथ वाली बात करें, मैं क्यों दूंगी उसका साथ?
और वरुण भैया, मैं मानती हूँ कि गेंदा आपकी पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे, इस तरह बात करेंगे आप मुझसे। मनीष जी, आप देख रहे हैं ना, गलत गेंदा है और ये मुझे सुनाने पर लगे हुए हैं। वरुण, खबरदार जो निशा से ऐसे बात किया। क्या जरूरत है उसको ये सब करने की? अरे जो सच है वो सबको दिखाई दे रहा है। अरे ये सच नहीं है भैया, हम सब जानते कि सिद्धांत सिन्हा क्या कर सकता है और ये सब उसी ने किए। ये सारे फोटोज ये सब नकली है, फोटोशॉप किए ने। सब गेंदा को बदनाम करने की साजिश है। और तुम चुप क्यों हो गेंदा? बता दो सबको कि सच क्या है, बता दो कि तुम उस आदमी से सिर्फ एक ही बार मिलने गई थी, वो भी मेरे कहने पर।